ऊधम सिंह नगर में किच्छा के चार दोस्तों डैम में नहाने गए हुए थे। इसी दौरान नदी के बहाव की चपेट में आने से अजय नामक युवक पानी में बह गए, जिसकी जानकारी बच्चों ने अपने घर पर नहीं दी। जब अजय घर नहीं लौटा तो अजय के परिजनों ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस को 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में लापता अजय के साथ 3 अन्य बच्चे डैम की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तीनों बच्चों से बातचीत कर पूरी घटना का पता चला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ भाजपा नेता मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ऊधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। के तीन दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां बच्चों ने बताया है 17 साल की उम्र है उसके, बाकी छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के। उन्होंने बताया कि वो कूदा और वो डूब गया है। इस बारे में काफ़ी तलाश की गई है, मगर अभी ऐसा कुछ बात पता नहीं चल पाई। NDRF की टीम और गोताखोर बुलाए गए, उसकी तलाश की जाएगी और पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चा मिले, जिस स्थिति में है वो मिले हमें। और पुलिस को मैंने निर्देश दिया है कि तत्काल वो हमें ढूंढे। पुलिस सारी टीमें लग गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की है। इस परिवार को हम उचित सहायता भी दें।